नमस्कार दोस्तों, मैक ओएस वेंचुरा 13.5.1 अपडेट आ चुका है और ये है मेरे पास मैक मिनी M2। और दोस्तों इसमें मैं अपडेट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से सेटिंग देख रहे हैं, इसमें अपडेट आया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद सीधे हम लोग मैक मिनी के अपडेट एरिया में चले जाते हैं। तो यहाँ अपडेटेड दिखा रहा है कि आ गया है अवेलेबल और 13.5.1 का, और यहाँ से दिखा रहा है मैक ओएस वेंचुरा 13.5.1 फिक्सेज एंड इशू इन सिस्टम सेटिंग दैट प्रिवेंट्स लोकेशन परमिशन फ्रॉम अपीयरिंग्स। तो ये सब कुछ नया इसमें देखने को मिला। इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज अपडेट आया है जो कि आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं सारा कुछ। वो सारा कुछ को एग्री कर लेने के बाद आपको यहां से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये शुरू हुआ है, और उसके बाद दोस्तों जब ये डाउनलोड शुरू हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि कितना MB का था, अब ये आपको 1.87 MB का ये अपडेट दिखाने लगा है, जबकि 717 का ही था या 700 के कुछ था। तो दोस्तों अपडेट हो गया है, अब देखते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो फ्रीक्वेंट चल रहा है जैसे पहले था, अपीयरेंस जनरल सब कुछ ओके चल रहा है। तो अब सीधे सॉफ्टवेयर अपडेट में देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 13.5.1 का अपडेट हो चुका है। अब हम लोग चेकआउट करने वाले हैं कि क्या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। साइजेस कुछ बढ़ा है, लगभग 500 MB का। कंट्रोल सेंटर की तरफ देख लेते हैं कुछ नया है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले था वही था। और दोस्तों नया क्या है वो है आपको जाना पड़ेगा। अब नया आया है उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में लोकेशन सर्विसेज दोस्तों बैक हो गया है। अब देख रहे हैं कि पहले जो 13.5 था उसमें नहीं था, और ये जो नया वाला है इसमें ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप अपने एप्लीकेशन को, इसके जो लोकेशंस है इसको आप हाइड कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अब फुल्ली कस्टमाइजेशन अब आपके हाथों में आ गया है, और पहले वाले अपडेट में ये नहीं था। अगर आप नहीं अपडेट किए हैं तो आप जाकर के चेकआउट कीजिए। ये सब ऑप्शन जो दिख रहा है ये सब नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये पार्टिकुलर इसी अपडेट में नया आया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा अपडेट है, अगर आप अपडेट करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। और दोस्तों अब कुछ वॉलपेपर वाले सेक्शन में देख लेते हैं क्या कुछ नया है। तो ये अभी कुछ नया नहीं आया था, जो पहले है जैसा कि आप देख रहे हैं आपको पता ही होगा कुछ नया नहीं है। अगर नीचे आ जाए लाइट एंड डार्क वॉलपेपर में तो इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए ये वाला वॉलपेपर मुझे अच्छा लगता है, इसी को सेट करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एप्पल की तरफ से कुछ हमेशा की तरह जो अपडेट आता है, कुछ स्पेशल सिक्योरिटी फिक्सेस किए गए हैं, और बस ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया अपडेट देखने को मिला है, लोकेशन सर्विसेज बैक आ चुके हैं, और बाकी एप्लीकेशन में कोई नया एप्लीकेशन वगैरह नहीं आया है, सब जो पहले था वही जैसा कि आप देख रहे हैं, और कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, आपको कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि समय पर आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं लेकर के प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।